नमस्कार। आज का विषय है प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि को मित्रों अगर हम कई टुकड़ों में करके समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पिछले करीब 60 सालों से जो हम खेती कर रहे हैं वो रासायनिक खेती है, मैकेनाइज फार्मिंग है, और वर्तमान की जो आधुनिक कृषि का जो तौर तरीका है उसके कारण जो भूमि की उर्वरता नष्ट हुई है, जैव विविधता नष्ट हुई है, भूगर्भ जल स्तर नीचे गया है, भोजन में रसायनों की मात्रा है, मनुष्य बीमार हो रहा है। तो एक विषय आ रहा है कि जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि, सनातन कृषि, टिकाऊ कृषि, आध्यात्मिक कृषि, ऋषि कृषि, तो वो सब का मतलब एक ही है। और अगर उन सारे शब्दों को हटा दें तो एक विषय आता है प्राकृतिक कृषि। चूँकि मैंने कई बार आपको बोला है कि खेती का संपूर्ण दारो मदार प्रकृति के वैभव पर निर्भर करता है। सीधी सीधी बात है कि हम शब्दों के मोहजाल में ना फंसें और प्राकृतिक खेती की बात करें कि चूँकि खेती का जो वो है सब कुछ वो प्रकृति के वैभव पर निर्भर करता है। और प्रकृति के वैभव का मतलब है कि खेती करते हुए मुझे प्रकृति के वैभव को सजाना है या प्रकृति के वैभव को नष्ट होने से बचाना है। तो प्राकृतिक कृषि को हम आपको आज जो इसका भाग एक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत कम किसान जानते हैं और ना हमारे वैज्ञानिक इन विषयों को ठीक से किसानों के सामने रखते हैं और किसान मृग मारीचिका की तरह भटकता रहता है। उसे क्या करना है उसे पता नहीं और वो खेती में अधिक आय प्राप्त करने के लिए कुछ भी करता चला जा रहा है और उससे उसको दिक्कत आ रही है। तो आज का विषय है प्राकृतिक कृषि भाग एक। भाग एक में हम करते हैं भूमि की उर्वरता की बात। क्योंकि खेती हम जब भी करेंगे, फसल उत्पादन का जब काम करेंगे तो हम खेत पर करेंगे और खेत की उर्वरता निर्धारित करती है कि किसी फसल का उत्पादन हमको क्या मिलने वाला है। तो खेत की उर्वरता क्या चीज़ है और खेत की उर्वरता के अनुसार हम फसलों का चयन कैसे करें, इस विषय पर बात करेंगे। तो देखिए आज आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ। हमारी जो एक हेक्टेयर ज़मीन है, 2.5 एकड़ ज़मीन, एक हेक्टेयर की ज़मीन जिसको हम ज़मीन कहते हैं, उपजाऊ भूमि कहते हैं, वो भूमि की ऊपर की जो 6-7 इंच की सतह है वो उपजाऊ ज़मीन कहलाती है। हमारी कोई भी फसल उस 6-7 इंच की ज़मीन पर ही अपना जीवन यापन करती है। तो वो जो एक हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर की मिट्टी का वजन है, एक हेक्टेयर की 6 इंच की अगर ऊपर की मिट्टी का वजन देखा जाए तो 20,000 क्विंटल होता है। और कहते हैं कि भूमि में 1% जीवांश कार्बन या 1% ह्यूमस होना चाहिए। 1% का मतलब है 100 किलो मिट्टी में 1 किलो जीवांश कार्बन। तो अगर 1% जीवांश कार्बन की जब बात करते हैं तो 1% जीवांश कार्बन स्वस्थ मृदा में होना चाहिए। इसका मतलब है कि 200 क्विंटल जीवांश कार्बन या ह्यूमस हमारे खेत में होना चाहिए। जिस खेत में 200 क्विंटल, एक हेक्टेयर में 200 क्विंटल या 1% जीवांश कार्बन होता है, उस खेत में आप कोई भी फसल बोएंगे, पानी सिंचाई की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी और रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत एक भी नहीं पड़ेगी और फसल में कोई भी बीमारियां नहीं लगती हैं। चूँकि 1% जीवांश कार्बन का मतलब है कि उस ज़मीन में नाना प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जो ज़मीन में पाए जाने वाले जो निगेटिव पैथोजन हैं, जो फसलों में रोग फैलाते हैं, उन पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। तो आप देखिए कि एक विषय आता है कि हमारे किसान भाइयों से कहा जाता है, कई बार आपने सुना होगा कि किसान पूछता है किसी से कि साहब मुझे गेहूं बोना है और हम कितना रासायनिक उर्वरक डालें। तो दो ही उत्तर आपको मिलते हैं कि मिट्टी की जांच करा करके तय होता है कि रासायनिक उर्वरक आपको कितना डालना है, या अगर मिट्टी की जांच कराने का वक्त नहीं है तो आपको बता दिया जाता है कि एक हेक्टेयर गेहूं या धान की फसल में 120-60-40 यानी 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश, इस दर से आपको उर्वरक देने हैं।
मैं आज का जो विषय है मेरा वो बड़ा बारीक विषय है, अगर आप किसान भाई इस बात को नहीं समझेंगे तो ये फंसे रहेंगे दिक्कत में। जैसा कि मैंने बताया कि ज़मीन में 1% जीवांश कार्बन होना चाहिए, और आज की तारीख में अगर बात करें कि जो देश में पिछले 3-4 साल से प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से जो देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग लगभग हर खेत के किसान की मिट्टी की जांच हो गई और उसको हेल्थ कार्ड मिल गया, उसका अगर एवरेज देखते हैं तो आज की तारीख में औसत जो जीवांश कार्बन है 0.2 और 0.3 के बीच में आ रहा है। यानी इस श्रेणी और इस श्रेणी के बीच में ज़्यादातर लोगों के खेत में जीवांश कार्बन बचा है। अब आप कल्पना करिए कि जहाँ 1% जीवांश कार्बन ज़मीन में होना चाहिए और जीवांश कार्बन घट करके 0.3 या 0.2 रह जाएगा, और ऐसे खेत में आप गन्ना आलू गेहूं धान जैसी फसल उगाएंगे, तो फिर एक फसल को जितने पोषक तत्वों की ज़रूरत चाहिए या जितने पोषण की ज़रूरत चाहिए वो ज़मीन तो नहीं दे पाएगी। अब जब ज़मीन नहीं दे पाएगी तो फिर आपको सुझाव दिया जाएगा कि इसमें फला फला जो है रासायनिक उर्वरक डालिए, फिर जाइम डालिए, फिर ग्रोथ प्रमोटर डालिए, यानी फिर आप ऐसे चल पड़ते हैं। तो प्राकृतिक कृषि का जो विषय है वो सबसे पहला विषय ये है कि प्रकृति की व्यवस्था में जो धरती आती है, धरती की उर्वरकों का आती है, हमें देखना होगा कि हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति कैसी है, उर्वरा शक्ति के अनुसार हम फसल का चयन करें। क्योंकि ज़मीन जिस फसल को पाल सकती है वो फसल अगर हम बोएंगे तो हम फिर प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ सकते हैं, और अगर ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम है और हम गन्ना और आलू और धान गेहूं जैसी फसल बोएंगे तो निश्चित है कि ज़मीन उस फसल को संपूर्ण पोषण नहीं दे पाएगी, और जब संपूर्ण पोषण नहीं दे पाएगी तो फिर आपसे बाहर से रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मित्रों, ये जीवांश कार्बन की 10 श्रेणियाँ मैंने लिखी हैं। जीवांश कार्बन 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1। अब अगर वैज्ञानिकों की माने तो ये जो 0.2% जीवांश कार्बन, यानी जिन ज़मीनों में जीवांश कार्बन की मात्रा केवल 0.2 तक है, वो ज़मीनें कहते हैं कि वो भूमियाँ अति न्यून उर्वरता की हैं, यानी कि उनकी उर्वरा शक्ति बहुत क्षीण हो गई है, बहुत कमज़ोर हो गई है। और जिन ज़मीनों में जीवांश कार्बन 0.21 से अधिक और 0.5 तक है, उनको कहते हैं न्यून उर्वर भूमि, यानी कि उनकी उर्वरता डाउन है, बहुत डाउन नहीं है लेकिन वो कमज़ोर हैं। और 0.51 से ऊपर 0.8% अगर जीवांश कार्बन है तो उनको कहते हैं मध्यम उर्वर ज़मीन, यानी वो मध्यम उर्वरता की ज़मीनें हैं। और जब उच्च उर्वरता की भूमि की बात करते हैं तो वो 0.81 से ऊपर और 1% तक जिनमें जीवांश कार्बन है वो उच्च उर्वर भूमियां कहलाती हैं। मुद्दा ये है कि देश में जो मिट्टी परीक्षण के परिणाम आए हैं उनसे पता चलता है कि हमारे देश की जो टोटल जो 14.5 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन है उनमें से 21% भूमियाँ ऐसी हैं जो अति न्यून की श्रेणी में आती हैं, कि जीवांश कार्बन 0.2 से भी कम रह गया है। 69% ज़मीन ऐसी हैं कि जिनकी उर्वरता न्यून स्तर की है, यानी जीवांश कार्बन 0.5 से कम है, 0.2 से अधिक है लेकिन 0.5 से अधिक है। मध्यम उर्वरता की जब बात करते हैं तो पूरे देश में 9% ज़मीनें ऐसी हैं जिनकी उर्वरा शक्ति मध्यम है, यानी न खराब है और न अच्छी है। कितनी ज़मीन है? 9%। और उच्च उर्वरता की जब बात करते हैं तो केवल 1% ज़मीनें हमारी उच्च उर्वरता में आती हैं। अब हमें प्राकृतिक खेती करनी है। प्राकृतिक खेती का मतलब है कि हम उसमें कोई भी केमिकल न डालें, यानी प्रकृति के भरोसे, प्रकृति जो अलाउ करती है उसके अनुसार हम खेती करें। तो ये जो प्राकृतिक कृषि भूमि की उर्वरता भाग एक की मैं बात कर रहा हूँ, इस खेती में केवल मात्र हम ज़मीन की बात करेंगे, क्योंकि उसको मैं धरती माँ कहता हूँ। और खेती करते हुए
हमें धरती माँ की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना होता है या उसके क्षरण को रोकना होता है। अगर हम उसके क्षरण को नहीं रोक पा रहे, धरती की उर्वरा शक्ति को नहीं बढ़ा पा रहे, तो तीसरी एक और अहम बात है कि कम से कम इतना तो ध्यान दो कि जमीन जिस फसल को अलाउ करे हम उस फसल की खेती करें, यानी कमज़ोर भूमि में हम बहुत हैवी फसल ना बोएं। जमीन की उर्वरा शक्ति कहती है कि हम तिल पैदा कर सकते हैं खरीफ में और रबी में हम अलसी पैदा कर सकते हैं, तो वो फसल लो। अगर जमीन कहती कि हम खरीफ में उर्द और मूंग और ज्वार पैदा कर सकते हैं, रबी में चना मटर पैदा कर सकते हैं, तो वो फसल लो। अगर ज़मीन कहती है कि हम जौ पैदा कर सकते हैं और सोयाबीन पैदा कर सकते हैं, तो वो फसल लो। आज हो क्या रहा है, देश में 60% से ज़्यादा, देखिए मध्यम उर्वरता की जो ज़मीनें हैं केवल 9% हैं। अगर धान, गेहूं, गन्ना, आलू, कपास, सोयाबीन इन फसलों की बात करें तो 60% क्षेत्रफल में ऐसी फसलें बोई जाती हैं जिनको पोषण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जब हम अति न्यून या न्यून श्रेणी की ज़मीन में सोयाबीन, कपास, धान, आलू, गन्ना ऐसी फसलें बोएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमको वो प्रोडक्शन नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। मेरे किसान भाई हर साल इस बात पर जोर देते हैं कि इस बार मैं कौन सी प्रजाति का बीज ले आऊं, धान का या गेहूं का, जो मुझे इतना कुंटल 70 कुंटल पैदावार एक हेक्टेयर में दे दे। और इतिहास साक्षी है कि ऐसे मेरे हजारों किसानों से मेरी चर्चा हुई है जो 70 कुंटल क्षमता की धान की प्रजाति ला करके बोते हैं और उनके खेत में जब पैदावार निकलती है तो वो 35 कुंटल, 40 कुंटल, 42 कुंटल, यानी कि हम 70 कुंटल क्षमता की प्रजाति की बुआई किए थे और वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फेट, 40 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट भी दिया था। उसके बावजूद हमको फसल की जो उपज मिली वो आधी मिली। तो प्राकृतिक कृषि में हमें ये समझना है कि जब मैंने वैज्ञानिकों की पूरी सलाह मानी और बहुत ही उन्नत किस्म की प्रजाति बो दी जिसकी क्षमता 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर की थी, तो प्रश्न उठता है कि फिर मुझे 42 कुंटल या 35 कुंटल या 30 कुंटल उपज क्यों मिली। तो सीधी सीधी बात है कि जब जमीन की क्षमता नहीं है, ऊपर से आप उसको इतने पोषण नहीं दे सकते, उतना संतुलन नहीं बना सकते कि वो 70 कुंटल पैदा कर दे। लेकिन हाँ, अगर आप 70 कुंटल की क्षमता की प्रजाति बोते हैं और ज़मीन में जीवांश कार्बन 1% है, तो मैं कह रहा हूँ ये 70 कुंटल की क्षमता की जो प्रजाति है वो हो सकता है 75 कुंटल पैदावार दे दे। तो यहाँ प्रश्न केवल इतना है, प्राकृतिक कृषि भाग एक भूमि की उर्वरता की जो विषय है उसमें मैं बता दूं आपको कि किसान भाइयों को उर्वरता के अनुसार फसल बोनी है, जमीन की उर्वरता के अनुसार फसल बोनी है। दूसरी बात है उर्वरता को बढ़ाने का प्रयास करना है। चूंकि खेती निरंतर है, जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गईं और हमारे मरने के बाद जाने कितने लोग और आगे आएंगे जो खेती से अपना जीवन यापन चलाएंगे। तो मेरे बच्चों के भविष्य की भी तो बात है कि बच्चे खेती कैसे करेंगे, इसलिए ज़मीन की उर्वरता का ध्यान अगर आज हम लोगों ने नहीं रखा तो बच्चे किस ज़मीन पर खेती करेंगे। तो ज़मीन की उर्वरता को बढ़ाना प्राकृतिक कृषि का पहला नियम है कि हमें ज़मीन की उर्वरता को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ऊपर ले जाना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे जिस ज़मीन में जीवांश कार्बन 0.2% है, यानी कि उस ज़मीन में देखिए 200 कुंटल ऑर्गेनिक कार्बन या ह्यूमस ज़मीन में होना चाहिए और अगर 0.2% बचा है, यानी कि उसमें केवल 40 कुंटल ह्यूमस है। और आपको बता दूं, जिस ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा केवल 40 कुंटल है, वो ज़मीन 40 कुंटल जो ह्यूमस है, आप खरीफ की फसल बोएं और रबी की फसल बोएं, ये प्रकृति का नियम है कि ये इसमें से केवल 4 कुंटल यानी 10% ह्यूमस ही पौधों को उपलब्ध कराएगी।
और ये कोशिश करेगी कि जो मैंने 4 क्विंटल धान में और गेहूं में ह्यूमस प्रोवाइड करा दिया है तो मैं 4 क्विंटल मीट आउट करूं या 4 क्विंटल फिर मैं धारण कर लूं। वो तब होता है जब आप फसल के अवशेष को वहाँ सड़ने का मौका देंगे तो ये ज़मीन अपने आप जो है 4 क्विंटल जो उसने पूरे साल में रिलीज किया था वो 4 क्विंटल भरपाई कर लेगी। लेकिन अब किसान क्या कर रहा है कि धान या गेहूं की फसल काटी, पशुपालन कर दिया बंद, हार्वेस्टर से कटाई करवाई और आग लगा दी, तो ये ज़मीन जो 4 क्विंटल ह्यूमस आपकी फसलों को दिया था वो 4 क्विंटल फिर से धारण नहीं कर पाई, यानी बढ़ा नहीं पाई। क्यों? कि जो कुछ खेत में था उसी को सड़ने के बाद ये 4 क्विंटल ह्यूमस मीट आउट होता, फिर 40 क्विंटल होता। लेकिन अब ये आपने आग लगा दी तो 40 क्विंटल जो ह्यूमस था वो 36 क्विंटल बचेगा, और ये प्रक्रिया जारी है। अब अगर किसी ज़मीन में 4% जीवांश कार्बन है यानी कि उसमें 80 क्विंटल ह्यूमस है, ये ज़मीन क्या करेगी? ये 8 क्विंटल ह्यूमस रिलीज करेगी, करेगी केवल 10%, 10% का मतलब हुआ 8 क्विंटल, और 8 क्विंटल फिर मीट आउट करेगी। तो आप देखिए कि एक फसल गेहूं की आपने यहाँ बोई इस वाले और एक यहाँ बोई, इसका उत्पादन अगर आपको 20 क्विंटल मिलता है तो इसका उत्पादन आपको 40 क्विंटल मिलेगा। अगर आप 0.6 वाली ज़मीन में बोएंगे गेहूं यहाँ पर तो ये उत्पादन आपको 50 क्विंटल मिलेगा। अगर आप 0.8 वाली बोएंगे तो ये उत्पादन आपको 60 क्विंटल मिल सकता है। अगर 0.1% वाले जीवान बोएंगे तो यहाँ उत्पादन आपको 70 क्विंटल मिल सकता है। यानी उपज का जो दारोमदार है, आप कितने भी लाख प्रयास कर लेना, बाजार में जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हो सब डाल लेना, लेकिन अगर जीवांश कार्बन 0.3% है तो उस खेत में गेहूं का उत्पादन आप 40 क्विंटल से ज़्यादा किसी सूरत में ले ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मैं 2-4 साल मेहनत करके जीवांश कार्बन 0.8% तक ले आऊं तो आपके रसायन भी बच जाएंगे और उत्पादन आपको 60 क्विंटल मिलने लगेगा। तो प्राकृतिक कृषि में मित्रों हमें बार बार एक ही चीज़ देखनी है, भूमि 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 की उर्वरता, हे धरती माँ। यानी धरती माँ के वैभव को सजाए बिना हम प्राकृतिक कृषि, जैविक कृषि, टिकाऊ कृषि, ऋषि कृषि, सनातन कृषि जैसे विषय हैं ना, वो शब्द ही रहेंगे केवल। तो हमें प्राकृतिक कृषि में भूमि की उर्वरता को बढ़ाना है। अब बढ़ाना कैसे? आपके कोई किसान ये कहे कि साहब हमारे खेत में जीवांश कार्बन 0.2% है, हमें 0.4 करना है, तो मैं आपको बता दूं कि 0.2% का मतलब है 40 क्विंटल उस खेत में ह्यूमस है और आपका टारगेट हमें 80 करना है 2 साल के अंदर। तो 80 का मतलब 40 क्विंटल आपको जीवांश कार्बन बढ़ाना है। तो आप कोई भी 100 क्विंटल शुष्क जैव पदार्थ ले लीजिए, 100 क्विंटल आप भूसा ले लीजिए, 100 क्विंटल आप पुआल ले लीजिए, 100 क्विंटल आप शुष्क गोबर ले लीजिए, और उसको किसी कच्चे गड्ढे में अच्छे तरीके से सड़ा दीजिए, और 100 क्विंटल जो शुष्क जैव पदार्थ था, शुष्क का मतलब उसमें नमी 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जब ये जैव पदार्थ बैक्टीरिया के माध्यम से ठीक से सड़ेगा तो उससे आपको 100 क्विंटल शुष्क पदार्थ के सड़ने से आपको 58 क्विंटल ह्यूमस बनता है। यानी कि आपने 40 क्विंटल ह्यूमस था और आपने 58 क्विंटल उसमें और ऐड कर दिया, यानी कि उसमें जो जीवांश कार्बन की वैल्यू थी 0.4 से भी ऊपर चली गई। बिल्कुल कहानी बिल्कुल सरल है, कठिनाई कुछ नहीं है। अभी हमारे कई किसान भाई ये कहते हैं कि साहब मैंने 1 हेक्टेयर ज़मीन में 100 क्विंटल गोबर की खाद डाली और फिर भी हमने मिट्टी की जांच कराई तो जीवांश कार्बन उतना नहीं बढ़ा जितना आप बता रहे हो। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि वर्तमान में जो हमारा गोबर है कहाँ है, आप नज़र दौड़ा के देखना, सारे के सारे ग्रामीण लोग गोबर अपना सड़कों के पक्की सड़कों के किनारे इकट्ठा करते हैं, जिसकी नत्रजन की मात्रा जो डाइट्रेट फार्म में हवा में उड़ती रहती है धूप के कारण, और जब मिड सीजन की कोई बारिश होती है
तो जो नीचे का मटेरियल सड़ा हुआ होता है, जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश जैसे तत्व बन चुके होते हैं, वो बरसात से बरसात में वो पूरा गोबर का सड़ा हुआ हिस्सा भीगता है और लीच होकर के कहाँ नाली, जो नीचे नाली होती है उसमें चला जाता है। आप कहने के लिए तो कह देते हो कि मैंने 10 ट्राली डाली है, लेकिन 10 ट्राली में बचा क्या है? उसके जो है 60% 70% जो पोषक तत्व थे वो तो या तो वायुमंडल में इवेपोरेट हो गए या लीच होकर के जमीन के नीचे चले गए। तो गोबर आप डालते हैं, बेशक हो गोबर को या जैव पदार्थ को जो सड़ाने की प्रक्रिया है वो एक कच्चा गड्ढा होता है, और कच्चे गड्ढे में जब हम सड़ाते हैं तो पहले, आज के 50 साल पहले जैसा किसान करते थे, कच्चे गड्ढे में रोज का कचड़ा डालते रहते थे, सड़ता रहता था, और वो जो उसके जो पोषक तत्व थे जो बारिश से लीच होते थे 1 फुट नीचे जमीन में चले जाते थे। जब किसान गोबर की खाद निकालता तो 1 फुट और मिट्टी भी खोद लेता था, यानी उसमें कोई नुकसान नहीं होता था। तो गोबर या जैव पदार्थ से सही विधि से खाद बनाएं और अपनी ज़मीन की उर्वरता को बढ़ाएं, ये प्राकृतिक कृषि का पहला नियम है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।